अभी थोड़ी दिनों पहले ही मैंने रैग टू रिचेज वाली सीरीज में आपको बताया था कि क्रेट वाला बिजनेस आपको कैसे करना है, सीईओ क्रेट सोर्सिंग वाला बिजनेस आपको कैसे करना है। लेकिन उस वीडियो के नीचे यार आपको कमेंट्स मिलेंगे कि भाई जो वैल्करी वाला एक पर्टिकुलर मिशन आता है, या फिर तीन हेलीकॉप्टर आते हैं एक मिशन में, जहाँ पे आपको जो है वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे होते हैं या फिर वो वैल्करी हवा में उड़ रही होती है। वैल्करी यानी कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है, उसका नाम वैल्करी है जीटी ऑनलाइन में। तो इनको कैसे टैकल करें, क्योंकि बिगिनिंग में हमारे पास तो व्हीकल्स नहीं होते। तो आज की वीडियो में आपको यही इसी का आंसर मिलने वाला है, इसी का आपको एक सोल्यूशन दूंगा, राइट। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे सोर्सिंग से। तो मैंने यहाँ पे सोर्सिंग स्टार्ट कर दी थी एंड मुझे जो मिशन आया वो आया था तीन इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर्स का, यानी कि तीन हेलीकॉप्टर जो है वो हवा में उड़ रहे होते हैं, उनमें एक एक जो है वो क्रेट होती है। अब यहाँ पे मैं मेरे जो है वो रैक टू रिचेज वाली जो अकाउंट, जो सीरीज मैंने चलाई थी, उस अकाउंट में हूँ, नए वाले अकाउंट में हूँ। तो इसके पास ना तो कोई हेलीकॉप्टर है, ना कोई इतना अच्छा ढंग का पैसा है जो कि ये हेलीकॉप्टर बाय करे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इस वाली लोकेशन पे आते हैं, ठीक है, ये वाली लोकेशन जहाँ पे जो है वो फ्री के हेलीकॉप्टर स्पॉन होते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से ये सस्ता वाला हेलीकॉप्टर उठाएंगे और करेंगे क्या, ट्राई करेंगे कि इस हेलीकॉप्टर को जाके दे मार दे, जो एनिमी का हेलीकॉप्टर है ना उसमें जाके टकरा दे। सो इससे क्या होगा, उनको लगता है कि भाई जो है वो मतलब फट जाएगा उनका हेलीकॉप्टर, हम मरे तो मरे कोई बात नहीं, बट जो क्रेट है वो तो मिल जाएगी, राइट। ऐसा नहीं करना है गाइज आपको, क्योंकि अगर ये तीन हेलीकॉप्टर वाला मिशन आ गया आपको, तो आप कब तक जो है वो हेलीकॉप्टर सोर्स करोगे, उड़ाओगे उसको, फिर लेके जाओगे, फिर मारोगे। एंड कभी कभी तो ये जो है वो टकराते हुए, मतलब टकराने के बाद भी जो है वो एनिमी हेलीकॉप्टर जो है वो फटते भी नहीं है। वैल्करी की तो अलग ही बात है, वैल्करी काफ़ी स्ट्रांग है एंड वो ऐसे टकराने, छोटे मोटे टकराने से वो जो है वो फटने नहीं वाली है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको जो है वो एम दबाना है, सिक्योर सर्व में जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो है सीईओ व्हीकल्स, ठीक है। सीईओ व्हीकल्स में आपको जो है वो बजर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपको रेंट करना है $25,000 लेके। अब आप बोलोगे भाई एक मिनट यार, हमने अभी 18,000 खर्च किए हैं क्रेट सोर्स करने के लिए और तू और 25,000 बोल रहा है डालने के लिए। हाँ गाइज, आपको डालने पड़ेंगे। इसको रिकवर कैसे करना है मैं आगे जो है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको जो है वो बजट तुरंत मिल जाएगा, यहाँ से आपको बजट उड़ाना है, ठीक है। आपको अब फ्लाइंग तो आनी ही पड़ेगी, अगर नहीं आती तो यार जीटी स्टोरी मोड खेलो जाके, जाओ वहाँ पे आप अच्छी तरीके से जो है वो फ्लाइंग सीख सकते हो, फिर आप जीटी ऑनलाइन में आके अपना ग्राइंडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे ही आपने बजर्ड को उड़ाना स्टार्ट कर दिया, आपको टैब दबाना है ताकि वो स्विच करे किससे, गन्स उस पर जो है वो मतलब मशीन गन से होमिंग मिसाइल में स्विच करे। तो ये आपको टैब प्रेस करके होगा या फिर आप माउस स्क्रोल से भी कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप टैब दबाना, तो वो तुरंत होमिंग मिसाइल जो है उसमें स्विच हो जाएगा और आपके स्क्रीन पर ये छोटा सा ऐसे एम वाला जो है वो बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही आप एनिमी के पास लेके जाओगे ना इस बजर्ड को, वो ऑटोमेटिकली लॉक होने लगेगा उसके, और आपको बस स्पेस बार प्रेस करना है, पीसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको जाके जो है वो लग जाएगा टारगेट को, एंड आपके जो भी क्रेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही टारगेट आपका हिट करेगा तो कुछ बंदे जो है वो पैराशूट लेके जंप करते हैं, एंड पैराशूट से आपको जैसे ही वो नीचे, लाइक जो NPCs है, एनिमी NPCs है, वो पैराशूट से जंप करेंगे एंड नीचे रोड पे लैंड होके वो दौड़ने लगेंगे। तो इन दैट केस आपको भी रोड के ऊपर जो है वो आना पड़ेगा, या फिर बजर्ड आपके पास है जैसे कि मैंने बताया आपको रेंट कैसे करना है, वैसे आप जो है वो उनके ऊपर भी जो है वो होमिंग मिसाइल लॉन्च हो जाती है, लाइक लॉक हो जाती है, एंड आप उनके ऊपर जो है वो होमिंग मिसाइल छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बजर्ड रेंटिंग का पार्ट एंड वैल्करी को आपको कैसे टेक डाउन करना है, या फिर ये तीन इंडिविजुअल हेलीकॉप्टर वाले मिशन को आपको कैसे टेक डाउन करना है। बात रही तो हमने जो 25,000 इन्वेस्ट किए हैं उसको रिकवर कैसे करना है। अब अगर आपको उसको रिकवर करना है तो आपको एम दबाना है, सिक्योर सर्व में जाना है, यहाँ पे वीआईपी वर्क होगा, ठीक है। वीआईपी वर्क में एकदम सेकंड लास्ट होगा साइट सीयर, वो मिशन आपको स्टार्ट करना है। अब यही एक तरीका है जिससे कि आप बजर्ड पे जो इन्वेस्टेड मनी है वो आप रिकवर कर सकते हो एंड आपका बजर्ड भी आपके पास रहेगा। एक और बात गाइज, बजर्ड को आपको जो है वो कम से कम जो है हानि पहुंचानी है, या फिर कम से कम डैमेज होना चाहिए बजर्ड को, क्योंकि आपका बजर्ड जो है वो आपको एक ही बार मिलेगा, लाइक अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपको और 25,000 देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रेंट अगेन। तो सोच समझ के ठीक ठाक से चलाना है इसको, पागलों की तरह यहाँ वहाँ मत ठोक देना। अगर आप ठोक दोगे तो यार वो डैमेज हो जाएगा एंड जैसे ही उसमें से धुआं निकलने लग जाएगा तो उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, हवा में वो ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा, बाद में जो है वो जितनी देर वो रह सकता है उतनी देर रहेगा एंड उसके बाद
वो ऑटोमेटिकली उसका इंजन बंद हो जाएगा एंड वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ये आपको नहीं करना है, आपको सेंसिबली उड़ाना पड़ेगा इसको। अगर आप 25,000 आपके एक बार में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड साइड सीयर से वापस आप उसको कमा रहे हो तो वो इक्वल हो जाता है एंड आपको बजट जो है वो मिल जाता है, लाइक 85-90% जो है वो। अब साइड सीयर का कैसे, आप जितना उसमें टाइम स्पेंड करोगे आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। सो मैं रिकमेंड करूँगा यार, वैसे भी जो है वो अगर आप एक सोर्स मिशन करते हो तो उसके 5 मिनट का जो है वो कूल डाउन लग जाता है, तो उस 5 मिनट में आप साइड सीयर कर लो अगर आप बजट रेंट करते हो तो। सो 5 मिनट में साइड सीयर आराम से जो है वो हो जाता है एंड आपके पैसे भी आपको वापस मिल गए, आपके पास बजट भी है। एंड अगर आपको बजट खरीदना है तो वॉरस्टॉक में जो है वो आपको मिल जाएगा, आपको बस एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, 1.75 मिलियन का यहाँ पे आपको बजट मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से परचेस कर लेते हो इसको परमानेंटली तो जो जहाँ से आप रेंट करते हो ना 25,000 दे के, वो वहाँ से आपको जो है वो बजट फ्री मिल जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपको बजट फ्री मिल सकता है अगर आप उसको परमानेंटली परचेस करो। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आपको उसको रेंट करना है और रेंट करने के बाद जो पैसे आपने लगाए उसको निकालना कैसे है, साइड सीयर करके। तो इस तरीके से मतलब यही एक सोल्यूशन जो है वो मुझे लगा, जो कि ये वैल्करी वाले मिशन में बिगिनिंग स्टेज में आपको ये सोल्यूशन जो है वो काम आएगा। सो यही मुझे जो है वो आइडिया आ रहा था। बाकी कोई भी जो है वो होमिंग मिसाइल हो गई और दूसरे चीज़ें हो गए वो आई थिंक वर्क नहीं करते, मैं सब कुछ करके देखा हूँ कुछ वर्क नहीं करता है, बस ये बजट वाला जो है वो यहाँ पे वर्क किया हूँ। फोर्ट जंकूडो जा सकते हो आप, वहाँ से जो है वो जेट चुरा सकते हो, बट इतनी मतलब करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आप यार बजट रेंट कर लो एंड दैट्स इट। आप जो है वो एक साइड से एडमिशन करके अपने पैसे वापस से ले सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी एंड समझ आ गई होगी कि आपको वैल्करी वाला मिशन कैसे करना है। एंड अगर आपके फिर भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो कि आपको ऐसी वीडियोज जो है वो मिलती रहे इन द फ्यूचर। मिलते हैं गाइज आपसे अगली वीडियो में।